आता मी महाराष्ट्र राज्याचे कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री माननीय नामदार श्री मंगल प्रभात लोढा सरांना विनंती करतो की त्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करावं। महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून, एक अतिशय चांगला न्यूजपेपर चालवता त्यांचे संपादक माझे मित्र तुमचे सर्वांचे मित्र माननीय श्री किरण सैलाडजी आपल्यामध्ये आज याने ते आपला यशाची केली येण्याचा प्रयत्न केला, पण ग्रहण केली की नाही केली माहीत नाही। पण श्री अतुल गोरेजी आमचे प्रकाशनचे ट्रस्टी आणि फेमस चार्टर्ड अकाउंटंट श्री सुशील चित्रेजी आणि इथे जमलेले सर्व बंधू भगिनीनो, मेन काम तो पहले ही हो गया, मेन काम तो था आपको सम्मान करने का, तो आधा काम तो हो गया, बाकी 80% 30% काम आपने स्पीच देके कर दिया, तभी मेरे पास केवल 10% काम का रोल बचा है। और उसमें भी लास्ट स्पीच देने में एक नुकसान ये रहता है कि जो आप तैयार करके लाते हो उसमें से कुछ कुछ बातें पहले ही हो जाती है तो फिर नया लिखना पड़ता है कि अब क्या बोले तो जैसा कि किरण जी ने बताया, यह एक उभरते हुए उद्योजकों का सम्मान है, और उभरते हुए उद्योजकों का सम्मान वास्तव में नए भारत का सम्मान है, नरेंद्र भाई मोदी की सोच का सम्मान है। वो पूरे भारत को आगे लेकर विश्व गुरु बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें से छोटा सा प्रयास तरुण भारत ने, किरण सैलाड़ जी ने और उनके सभी साथियों ने किया है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, पर मैं भी चूँकि उद्योजक हूँ ऐसा परिचय मेरा कराया गया, हालाँकि मैंने 7 साल पहले ही कंपनी से रिजाइन कर दिया, शेयर भी निकाल लिए, फिर भी जब भी कोई सामने विषय आता है तो पुराने दिन याद आ जाते हैं, तो कुछ कुछ बिजनेस के की हुई बातें हैं। मैं कुछ थोड़ा जो सीखा हूँ वो अतुल गोरे जी की शिक्षा से थोड़ा मिला हुआ है, थोड़ा हटके है, पर उनकी बात मान लेना, मेरी बात छोड़ देना, मैं बोलूँगा जरूर पर मानना आप उनकी बात, क्यों वो एक्सपर्ट हैं और मैं पॉलिटिशियन हूँ इसलिए मैं बोलता बहुत कुछ रहता हूँ। तो मैंने जो कुछ व्यवसाय में सीखा है वो ये एक तो सीखा है कि एक बार कुछ तय कर लो तो किसी की भी मत सुनो, खुद की भी मत सुनो। आपने तय किया है मुझे ये बिजनेस शुरू करना है तो 1000 डेज आर मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसके पहले आप डिस्टर्ब मत करो खुद को, अभी लॉस हो गया, अभी लॉन जो लिया था सब चुक गया, अभी इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे, चिंता मत करो। 1000 डेज मिनिमम टाइम लिमिट, थिंग्स विल कम अराउंड, आपके हिसाब से चीज़ चलने लगेगी। और एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने नारायण मूर्ति का नाम लिया तो नारायण मूर्ति के घर में बहुत कुछ अच्छा हुआ, पर उसमें एक अच्छेपन का कारण ये भी है कि उनकी पत्नी आज भी किचन में जाकर खाना बनाती है और उनके सर्वेंट्स को साथ में बिठाकर खाना खिलाते हैं, तो ये एक्टिंग नहीं है, ये संस्कार है। इसलिए आपके जो भी संस्कार हैं उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश मत करो, आप जैसे हो वैसे ही रहो और वही आपको ज़िंदगी का मजा देगा। मैं लाइफ में, किरण जी ने जैसे बताया, मैं बहुत छोटे से शुरुआत किया, यहाँ पर 1800 रुपये की नौकरी करता था, वन रूम किचन में ससुराल के दिए हुए फ्लैट में रहता था, गाड़ी स्कूटर कुछ नहीं था, बस में घूमता था, और एक एक करके 2 नौकरियाँ 3 साल में छूट गई या छोड़ दी, क्योंकि मन बहुत अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह ऊँचा सोचता था और नौकरी बहुत छोटी थी तो कॉन्ट्राडिक्शंस में जमता ही नहीं था किसी से। पर तब मैंने 2-3 बातें सीखी कि तब मैंने एक समझ लिया कि भाई या तो मैं ऐसे तो मार खाता रहूँगा, सीखता रहूँगा तो ज़िंदगी निकल जाएगी, तो क्या करने का। तो फिर मैंने तय किया कि जो कुछ टॉप सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियाँ सामने आएँ उसमें चुरा चुरा कर एक एक दो दो बातें सीख लो। जैसे अम्बानी जी की बात है, अम्बानी जी की बात जो है वो थोड़ी आपके फोर्ड की बात से उल्टी है। फोर्ड कहता है बहुत सोचो बहुत पढ़ो, अम्बानी क्या कहते हैं, वो गुरु पिक्चर आपने किसी ने देखी है तो आपको उसके कुछ डायलॉग याद होंगे, उसमें वो अभिषेक बच्चन जो अम्बानी का रोल करता है वो कहता है कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता था, ये कानून वानून मैं कुछ जानता नहीं था, मेरे सामने जो आया मैं हैंडल करता गया, किसी ने नमस्कार कहा तो मैंने नमस्कार किया, किसी ने माना तो उसको हाथ जोड़ा, नहीं मारा तो उसको जूता मारा, पर मैं मेरे कोई भी तरीके से आगे बढ़ता गया। तो मैं मेरी लाइफ में अम्बानी जी को ज़्यादा एक व्यापार के नाते उनको ज़्यादा गुरु समझता हूँ। तो मेरा मानना ये ऐसा रहता है कि ज़िंदगी में आपके सामने जो परिस्थिति आती है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाओ,
दिल की सोचो, और दिल कभी गलत नहीं करता है। आप दिल के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो वो एक वो पिक्चर का डायलॉग है, शाहरुख खान की पिक्चर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, किसी को नाम याद आता हो तो, कि जब आप दिल से कुछ काम करने को जाते तो सारी कयानत आपको सपोर्ट करने के लिए साथ में आ जाती है। ओम शांति। ये मेरे से ज़्यादा पिक्चरें ये देखते हैं, तरुण भारत भी चलाते हैं और पिक्चरें भी देखते हैं। तो मन की सोच के आगे करो, सब आपको अपने आप सारा सपोर्ट में आ जाता है। और एक बात, समय के साथ साथ बिजनेस का पावर बदलता चला जाता है। कभी बिजनेस का पावर था कोटा सिस्टम, भारत के पहले 30-40 साल में जिसको कोटा मिला वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उस समय हर चीज़ का कोटा था, पेट्रोल का कोटा, डीजल का कोटा, केमिकल का कोटा, अखबार का कोटा, तब कोटा सिस्टम जिसके पास था वो चला। उसके बाद में आया सेकंड लाइसेंस सिस्टम, जिसके लाइसेंस थे उसको बैंक से पैसा मिलता था, उससे गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते थे, उसके काम होते थे, वो भी 10-20 साल चला, वो भी चला गया। उसके बाद आया इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके बाद में इंफॉर्मेशन है वो पावरफुल है, उसको पता है सरकार, ये अंबानी जी के समय की बात कर रहा हूँ, सरकार क्या कानून बनाने वाली है, ऑफिसर यहाँ पे कौन पोस्टिंग में आने वाला है, वो सब चीज़ें उस समय इंफॉर्मेशन के ऊपर उनका बिजनेस बड़ा होता चला गया। आज का जो समय है वो मेरे हिसाब से, डोंट कॉपी मी, मैंने वापस कहा है अपने दिल की सोचो, जिसको जो लगे वैसा करो, पर मेरे हिसाब से आज का जो समय है वो ह्यूमन पावर का समय है। जिसके पास अच्छे लोग हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। आप अंबानी इसका उदाहरण लोगे तो, जब धीरूभाई अंबानी ने डेथ के समय दो डिवीजन इक्वल किए, जितना मुकेश अंबानी को मिला उतना अनिल अंबानी को भी मिला, पर उन्होंने एक जरूर किया था, उनको समझ आया था कि भाई लॉन्ग रन में मेरे लिए कौन मेरे परिवार को आगे बढ़ाएगा। तो लास्ट जिंदगी के 10 सालों में उन्होंने अपने बेस्ट आदमी मुकेश अंबानी जी के साथ साथ में जोड़ दिए। उसका रिजल्ट ये निकला कि 50-50% वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी आज अनिल अंबानी जी कहाँ पर है और मुकेश अंबानी जी कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा पावर आज की डेट में, आपके पास कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो उसको छोड़ो मत, और अच्छा कोई आपके पास है तो उसको और ज़्यादा, उसको अच्छी तरीके से वैल्यू देके, उसके पास ताकत है इसलिए वो अच्छा है, इसलिए आप ले वो वेल्थ है, तो उसको अपने साथ में जोड़ के आगे बढ़ाओ। ह्यूमन पावर, जिसके पास ज़्यादा अच्छे आदमी रहेंगे, बाकी सब चीज़ अभी अवेलेबल है, बैंक आपके पास लोन लेने को आती है, बिजनेस इतना बड़ा है कि आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो, पर चलाएगा कौन ये सिस्टम, तो वो आपका ह्यूमन पावर है। मैं समय की मर्यादा समझते हुए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक छोटी सी स्टोरी आपको बता के, एक सच्ची कहानी है कैसे आदमी व्यापार में या लाइफ में सक्सेस होता है, उसकी एक स्टोरी सुनाऊँगा। एक व्यापार था, काम चल रहा था, व्यापार तकलीफ में था, सब मालिक सोचते थे, बैठ के ग्रुप्स ऑफ ट्रस्टीज थे, सोचते थे अब इसको बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा नहीं चल सकेगा, तो भी फिर तय करते, एक साल और चला के देखते, दो साल और चला के देखते, लास्ट में जाकर समझ में आया कि ये चलना आसान नहीं है। उसी ब्रांड के और भी 2-3 अलग अलग जगह पर ब्रांडें वो बिकती थी, वो भी सभी परेशानी में थे, ये भी परेशानी में बिजनेस था। फिर एक युवक आगे आता है, उनके अंदर का ही व्यक्ति था, उसने कहा कि ठीक है आप बंद करना चाहते हो ना, गिव मी ए चांस। उसने उसको बिजनेस को अपने हाथ में लिया। उसकी बिजनेस की उसकी सोच क्या थी, वो केवल बेस्ट आदमी ढूंढता था, भले उसका ड्राइवर है पर बेस्ट है, तो थोड़े दिनों में वो ड्राइवर मार्केटिंग मैनेजर बन गया। उसका जो पीएन है चाय पिलाता था, उसको समझ में आया कि इस पीओन के अंदर बहुत अच्छी ईमानदारी है, तो उस पीओन को साथ में लिया। थोड़े दिन में पीओन वो प्रोडक्शन इंजीनियर बन गया, और वो गिरता हुआ टूटता हुआ बिजनेस थोड़े दिनों में बहुत बड़ा हो गया। स्टोरी आप नहीं समझे हैं तो मैं पहली हल कर देता हूँ, वो स्टोरी का जो अखबार जो था व्यापार, उसका नाम था तरुण भारत, और जो युवक था उसका नाम था किरण सेलार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।